जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जी हां दोस्तों, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस या 498 डोरी केस कर रखा है, क्या मैं केस चलते टाइम पे भी तलाक ले सकता हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, काफ़ी लोगों के माइंड में कन्फ्यूज भी रहता है कि क्या डोमेस्टिक केस चलता रहेगा, 498 केस चलता रहेगा, मेरे को तलाक लेना है, मैं कब तलाक लूँ। तो दोस्तों में आपको ये डाउट रहता है ना, जो कि आप लोग केस के बीच में क्या तलाक ले सकते हो, बिल्कुल क्लियरली आप तलाक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ कोई एडल्ट्री में हो गई, कोई क्रूल्टी कर रखी है, आपके पास ग्राउंड है, ऑलरेडी आपके पास ग्राउंड है कि वह एडल्ट्री में किसी के साथ, उसी वजह से उन्होंने 498 केस किया होगा। 90% ऐसे केस होते हैं जो एडल्ट्री बेस पर ही होते हैं। अगर उसका किसी गैर मर्द से संबंध है, वह आपके पास एविडेंस है, तो आपका 498 केस चल रहा है। जैसे डोरी का केस या डोमेस्टिक वायलेंस का केस, कोई सा भी केस चल रहा हो फैमिली केसेस से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में आप बीच में शादी के जो केस चल रहा है उसके बीच में भी आप लोग तलाक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, आपकी पत्नी अगर एडल्ट्री ग्राउंड पे है, क्लियरली मैं मेंशन करता हूँ आपको, अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री ग्राउंड पे है, उस बेस पे अगर आप लोग, आपके पास एविडेंस है, जैसे ऑडियो वीडियो चैटिंग, कुछ भी फोटोग्राफ, कुछ भी चीज़ हो आपके पास, कोई ग्राउंड हो, मतलब एडल्ट्री का कोई भी ग्राउंड हो आपके पास, तो वह चीज़ आपके पास है, आप तलाक अप्लाई करते हो, डिवोर्स लेते हो केस चलने के बीच में, तो आपको पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा कि आपका ग्राउंड स्ट्रॉन्गेबल एक सबूत हो जाएंगे केस को लड़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और मैं ये कहूँगा अगर आपको एडल्ट्री में है तो आप डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है क्रूल्टी मेंटेलिटी आपको लगता है, देखिए 498 केस होने के बाद 99.99 रिलेशनशिप कभी भी एड नहीं होगा, मतलब इकट्ठा नहीं हो सकता, वो रिलेशनशिप चलेगा नहीं। जो कोर्ट कचहरी में हस्बैंड वाइफ का मैटर चला गया है ना, वो मैटर कभी भी कॉम्प्रोमाइज होकर वापस साथ में नहीं रह सकते, ये 99% सत्य है। ठीक है, 1% चांस हो सकता है कोई एक दूसरे कॉम्प्रोमाइजन करके कोई बच्चों के लिए एक साथ रह सकते हैं, लेकिन 90% जिनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, तो वो कंडीशन में वो लोग फिर तलाक ही लेंगे। तो इससे बेटर है जब भी आप 498 केस करते हैं ना आपकी वाइफ, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए डिवोर्स। अब आपको डिवोर्स मिल जाते हैं तो आपके पास मजबूत ग्राउंड बन जाएगा केस में भी, और वो सो एविडेंस होंगे, जो सबूत होंगे आपके तलाक के बेस पे, आपको तलाक मिला है उस बेस पे आपको 498 केस में बेनिफिट मिलेगा। जैसे एडल्ट्री में थी तो एडल्ट्री बेस पे मान ली, उसको छुपाने के ऊपर आप पे 498 केस किया, तो आपका तलाक का जो ग्राउंड था वो मजबूत इसको क्रॉस करने में काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे क्रूल्टी बेस पे अगर आपको तलाक मिल जाता है केस के चलते हुए, तो वह उसके सबूत जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो ग्राउंड आपको फिर आपके केस में देगा कि वाकई क्रूल्टी करती थी मैडम जब इसको तलाक मिला गया है। जैसे एडल्ट्री में था तो एडल्ट्री का ग्राउंड आपके पास है, तो एडल्ट्री ग्राउंड पे आप तलाक लोगे तो उसको ऑटोमेटिकली उस पे केस पे लॉस होगा उसका 498 केस में। इस कारण से जब भी आपके 498 केस चल रहा है, आपके पास ग्राउंड है एडल्ट्री, चाहे क्रूरता बेस का, क्रूल्टी बेस का, जो मेंटली डिस्टर्ब का, काफ़ी कोई सी भी आए, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं मेरी पत्नी को काफ़ी ऐसी बीमारी है जैसे मुर्गी आना किसी टाइप की, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो उस बेस पे आपको डिवोर्स अप्लाई कर देना चाहिए। डिवोर्स अप्लाई करने से आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, और जो आपका 498 केस या डोमेस्टिक वायलेंस जैसा केस चल रहा है, जैसे एक एग्जांपल और समझाता हूँ मैं आपको कि डोमेस्टिक वायलेंस केस चल रहा है आपके, और आपने इधर से क्रूरता बेस पे, क्रूरता पे आपने डिवोर्स अप्लाई किया, ठीक है, आपका तलाक हो गया, तो वो केस ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, क्योंकि क्रूरता तो उन्होंने की है ना, तभी तो उसे तलाक मिला आप लोगों को। तो तलाक आप लोग फर्स्ट ऑप्शन रखिए जब 498 केस लगता है, कोई भी नहीं लाना चाहता। काफ़ी मेरे पे कमेंट आते हैं कि आप कभी तलाक की बात करते हो, हमेशा कभी जोड़ने की बात नहीं करते, देखो फ़ायदा भी नहीं है ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन होता है। इससे बेटर है अगर लड़ना झगड़ना केस करना झूठे केसों में आप कोर्ट कचहरी घूमते रहना, इससे बेटर आप तलाक ले लीजिए, उससे दूर हो जाइए। यही ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि भाई आप केस लड़ते रहोगे, झूठे केस होते हैं, अब केस झूठे केस होते हैं, 98% सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती है, आपको रिकॉर्ड आते हैं, जो पूरे रिकॉर्ड आए 2019 के रिकॉर्ड आए थे, 95% रेप के केस थे झूठे थे, 98% केस थे जो ये डोरी केस थे, दहेज के केस झूठे थे, तो फिर इससे जब इतने परसेंट झूठे केस हो रहे हैं, 98% केस झूठे हो रहे हैं, तो फिर साथ में रह कौन सकता है, इतनी क्रूरता बेस कौन साथ रहेगा। इससे बेस्ट ऑप्शन यही है ना कि आप डिवोर्स ले लीजिए, तलाक ले लीजिए और अलग हो जाइए। दोस्तों जब भी आपके 498 केस लगता है ना, तो आप डेफिनेटली आप पे 90% कहते हैं लोग कि सर मेरी वाइफ ने तो झूठा केस किया है, आपको लगता है ना जब झूठा केस किया तो आपको मौका है साबित करने का, पहले ही केस चलने से पहले ही आपको बीच में ही डिवोर्स जरूर लेना, अप्लाई कर देना। अगर एडल्ट्री ग्राउंड है तो एडल्ट्री ग्राउंड पे आपको डिवोर्स अप्लाई कर देना है। अगर क्रूरता मेंटलिटी व डोमेस्टिक वायलेंस टाइप का कोई भी केस किया है, तो उसमें क्रूरता बेस पे, क्रूरता बेस पे आपको अप्लाई कर देना, डेफिनेटली आपको तलाक मिल जाएगा, तो उसका बेनिफिट आपको 498 केस में फिर इतना दम नहीं रहेगा जितना, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें।
फिर से मैं इसी वीडियो में दोहरा देता हूँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहें डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का लिंक, टिकटॉक का लिंक सबका मिल जाएगा। पर्सनल बात करेंगे व्हाट्सअप का नंबर होगा, पेमेंट होता है ऑप्शन, होता है पेड होता है, ज़रूरी नहीं जिसको इंपॉर्टेंट है वही कॉल करे, किसी हर किसी टाइम पास करके वे टाइम अपना खुद का भी हमारा दूसरों का भी टाइम खराब ना करें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।